क्योंकि नौजवानों की भी एक अच्छी संख्या यहाँ बैठी है और बहुत अच्छा काव्य पाठ करता है। इसका नाम कल्याण विशाल है। ये अभी हाल ही में वो नहीं आता, एक शो आता है, कौन सा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो शैलेश लोढ़ा आते हैं तारक मेहता, उनके साथ ये कविता पढ़ के आया बंबई से। 7-8 एपिसोड इसने किए, अभी इसको मेरठ में सम्मानित भी किया गया। तो ये अब पता नहीं किस दम पे सम्मान जाके पाया है, अभी आके यहाँ कविता सुनाएगा तभी पता चलेगा। हालांकि मोहब्बत करने में एक्सपर्ट है, एक दिन यही राजघाट के पुल के किनारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल पर उसको बैठा के उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसके आंखों में देख के कह रहा था, जानू तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। अब भैया बगल से प्रशांत सिंह जी जा रहे थे, वो गाड़ी रोक के बोले, बेटा इसकी आंखों में दुनिया दिख रही है, जरा देख के बताओ पड़ाव पे चेकिंग तो नहीं चल रही। जोरदार तालियां। आप सभी को प्रणाम करता हूं, आदरणीय दमदार भैया जी को प्रणाम करता हूं, मंच पर आसीन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। एक मुक्तक से जुड़ता हूं आपके समक्ष। एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, दिल की हर दास्ता से चला जाऊंगा, आपका प्यार मुझको अगर ना मिला, आपका प्यार मुझको अगर ना मिला, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। जैसे भैया अभी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे थे, मैं वो चली गई, मैं उसके बारे में बताता हूँ क्यों चली गई। आंसुओं से गाल गीले हो गए, आंसुओं से गाल गीले हो गए, थे बहुत मीठे करीले हो गए, दिल रुबा तो हो गई किसी और की, दिल रुबा तो हो गई किसी और की, आज उसके हाथ पीले हो गए, आज उसके हाथ पीले हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी साथ एक मुक्तक और सुनाता हूँ। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी, तुम्हारे नाम की हल्दी हमें घर ना लगी तो फिर, तुम्हारे नाम की हल्दी हमें घर ना लगी तो फिर, हमारी जान ले लेगी तुम्हारे हाथ की मेहंदी, हमारी जान ले लेगी तुम्हारे हाथ की मेहंदी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक और सुनाता हूँ। दिल में उसके ही घर बसाना है, चाहता हूँ कि उसको पाना है, दिल कहीं आज के दिन बहुत बढ़िया बन रहा हो, घर बनाओ। मैं गीत सुनाता हूँ, सीधा मैं एक गीत सुनाता हूँ, उसी के साथ एक सुनाता हूँ, एक गीत सुनाता हूँ, ठीक है, अपना स्थान लेता हूँ। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे, उसके संग जब बैठूं मैं तो काश भी लंदन लगे, प्रेम में छल करके हमसे अपने रास्ते वो चली, और वो भी बेवफा निकली है, और वो भी बेवफा निकली। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए, हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रस्ते बह गए, रोज की
और वो भी बेवफा निकली है, और वे भी बेवफा निकली। बहुत शुक्रिया। एक इसका आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे रोहित भैया, इन्होंने तीन तीन बार प्रेम किया और वो क्या क्या घटनाएं घटित हुई इनके प्रेम करते हुए, मैं सुनाता हूँ सुनिएगा। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई। तीसरी तो आई लेकिन भूल गई मेरी गली, और वो भी बेवफा निकली है। बस बस।